ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के विनहेरो शहर में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्राजील की एयरलाइन वोए पास के अनुसार हादसे का शिकार हुए विमान में कुल 61 लोग सवार थे। विमान कंपनी ने पुष्टि की है कि हादसे में सभी 61 लोगों की मौत हो गई है। शवों की शिनाख्त को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। स्थानीय अग्निशमन दल ने बताया कि विमान क्रैश होने के बाद विनहेरो शहर में गिरा। क्रैश से पहले विमान के अगले हिस्से से धुआं निकलता देखा गया। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। विमान के ब्लैक बॉक्स को बरामद किए जाने के प्रयास जारी हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग ने बताया कि विमान रिहायशी इलाके में गिरा है। इस दौरान वह कई घरों में टकराया। वह पास विमान कास्केवेल से रवाना हुआ था और साओ पाओलो के रास्ते पर था। सोशल मीडिया पर प्रसारित दुर्घटना के वीडियो में विमान को तेजी से जमीन पर गिरते देखा जा रहा है। विमान क्रैश होने के बाद धुएं का गुब्बार उठता भी देखा गया है।